अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक रानीस किचन। आज हम बनाएंगे देसी मछली। ये छोटा छोटा मछली है, इसको आप लोग कौन सी नाम से जानते हो कमेंट में बताना। तोरई के साथ हम बनाएंगे एक आलू और तोरई, तो इसको साफ करके हम लेके आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम एक चम्मच ऑयल डाल दिया, इसमें एक प्याज डाल दिया, हल्का सा भून लेंगे इसका कच्चापन निकल जाने तक। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा सा मसाला हम डाल देते हैं। हाफ चम्मच हल्दी, हाफ चम्मच धनिया जीरा का पाउडर, हाफ चम्मच हमने मिर्ची पाउडर डाल दिया। इसको थोड़ा सा हम भून लेते हैं। इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देते हैं ताकि मसाला हमें जल ना जाए। अच्छा से मसाला भून लेते हैं। अब इसमें हम मछलियाँ डाल देते हैं। ये देसी मछली है, हम देसी स्टाइल से बना रहे हैं। इसको ना फ्राई करना ना कोई जंजर, कुछ भी नहीं करना। इसी में हम एक आलू लिया था, इसको हम फ्राई कर लेते हैं। अच्छा से इसमें भून लेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के। मैं नमक देने के लिए भूल गई थी, स्वाद अनुसार हमने नमक डाल दिया। मेरा मछली और आलू अच्छा से भुन गया। अब इसमें हम तोरोई डाल देते हैं और टमाटर, इनको भी अच्छा से हम भुन लेंगे। फिर थोड़ा सा पानी डाल के ग्रेवी जैसा रखेंगे। ज़्यादा हिलाना नहीं, नहीं तो मछलियाँ टूट भी जा सकते हैं। तो रोई टमाटर अच्छा से मेरा भुन गया। इसको ज़्यादा हिलाना नहीं क्योंकि ये टूट भी सकता है ना, छोटा छोटा मछलियाँ है। अब इसमें हम पानी डाल के जितना हमें चाहिए हम उतना ही डालेंगे और थोड़ा सा हरा मिर्ची इसी टाइम हम डाल देते हैं। इतना ही पानी चाहिए हमें, आपको जितना चाहिए आप डाल सकती हो। और ऐसे भी तोरोई से पानी निकलता है इसलिए हम थोड़ा कम ही डाला है। तो इसको अच्छा से बॉईल कर लेते हैं, 10 मिनट तक हम पका लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। मेरा मछली कितना अच्छा से हो गया। आलू भी गल गया, टमाटर भी गल गया, तोरोई तो गल गया। तो हम निकाल के आपको दिखाते हैं कितना अच्छा से मेरा मछली, सब्जी वाला मछली बन गया। ये मछली ना गला है ना कुछ है। मेरा आलू टमाटर सब गल गया लेकिन खिला खिला सा है। कितना अच्छा दिख रहा है, ऐसे आप बना के खा सकती हैं। कैसा लगा मेरा रेसिपी? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना। दुआओं में याद रखना। फिर मिलते हैं नए रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।